हरदोई में पैमाइश के दौरान प्रधान के बेटे की गांव की युवतियों ने चप्पलों से पिटाई कर दी। घटना के वक्त मौके पर लेखपाल भी मौजूद था। इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद इलाकाई पुलिस ने चार युवतियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम श्यामदासपुर में लेखपाल जमीन की पैमाइश करने गए थे। लेखपाल से चार युवतियों ने पैमाइश का विरोध किया, जिसके बाद प्रधान के बेटे की चप्पलों से पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया। घटना के बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। घटना ग्राम श्यामदासपुर की है, जहां लेखपाल कुलदीप जमीन की पैमाइश करने गए थे। उसी समय प्रधान श्री प्रकाश के बेटे अनुज के मौके पर बुलाकर नापजोक कर रहे थे। इतने में ही गांव के ही राजा राम की बेटी सरोजनी सीता निर्मला व सीता बेटी राजू आरख ने पैमाइश का विरोध किया। अनुज ने युवतियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि युवतियां रेप का मुकदमा लिखाने की धमकी भी दे रही हैं। लेखपाल कुलदीप ने बताया घटना की वारदात सामने की है। युवतियों का कहना है कि पंचायत चुनाव के दौरान उन्होंने मौजूदा प्रधान का विरोध किया था, जिसकी वजह से आए दिन प्रधान लेखपाल से मिलकर उनके घर की जमीन को नपाया करता है, उनको गांव से बाहर निकालना चाहता है। उसकी इन हरकतों से तंग आकर उन्होंने इसकी पिटाई की है। अतरौली थाना प्रभारी निरीक्षक दीपक शुक्ला ने बताया चारों युवतियों के विरुद्ध प्रधान बेटे की सूचना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।